क्या बात है जी, अपने आप में ही मुस्कुरा रहे हैं आप। कौशल्या जी, जिंदगी ये जो अजीबो गरीब मोड़ ले लेती है ना कभी कभी, उसी के बारे में सोच रहा था। क्या जी? हैरानी भी होती है और हंसी भी आती है ये सोच करके। अब देखिए ना कौशल्या, वो परिवार जिससे हम कभी कोई सरोकार ही नहीं रखना चाहते थे, आज वही परिवार हमारे कितने करीब आ गया। दोबारा से समधी बन गए, हमने अपनी दूसरी बेटी भी उन्हें सौंप दी, और वो भी खुशी खुशी। ऊपर वाले के खेल भी निराले होते हैं कौशल्या जी, हर इंसान अपना नसीब लिखा कर लाता है, लेकिन वक्त से पहले कौशल्या जी पढ़ नहीं पाता। रागिनी का भाग्य देखिए, अचानक अचानक कैसे चमक उठा। सो तो है जी, अब देखिए ना, रागिनी के लिए हमने कितने रिश्ते ढूंढे, और रिश्ता पक्का भी हो गया, लड़का भी अच्छा था, लेकिन हुआ तो वही ना जो किस्मत को मंजूर था। बिल्कुल कौशल जी, कौशल जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बिटिया को उसके सपनों का राजकुमार दे दिया। पागल हो गए क्या आप? इतनी रात को यहां पे क्या कर रहे हैं? तुम्हारे पहले सवाल का जवाब, हाँ मैं पागल हो गया तुम्हारे प्यार में। तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब, मैं यहाँ पे अपनी मंगेतर से मिलना है, जो बहुत जल्दी मेरी वाइफ बनने वाली है। और कुछ? वो सब तो ठीक है, लेकिन इतनी रात गए अभी बालकनी से। बालकनी से मतलब? ये तो प्यार का जुनून है मैडम। प्यार करने वाले तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ चढ़ जाते हैं, ये बालकनी की चीज है। बस तुमसे मिलने की याद आई, बेचैनी हुई, इसलिए आ गया। अच्छा अच्छा, अभी बातें हो गई ना, मिल भी ली, अब जाइए प्लीज। अरे ऐसे कैसे, इतनी मुश्किल से बालकनी पे चढ़ के आया, अपनी जान हथेली पे लेके आया, और हाथी कह रहे हो जाओ, प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें भी नहीं कर रही, क्यों? अच्छा अच्छा, अगर आपको यहाँ पे किसी ने देख लिया होता तो? ऐसी भी क्या बेचैनी, कुछ घंटे पहले ही तो मिले थे ना हम। अरे घर में इतने सारे लोग थे, वो मिलना भी कोई मिलना हुआ? ना तुम्हें ढंग से देख पाया, ना तुमसे बात कर पाया, जैसे तुम चली गई 100 बातें याद आ गई, तो सोचा कि एक मुलाकात हो जाए 1-to-1। मतलब पागलपन, मुलाकात सही वक्त और सही जगह पर हो तो अच्छा होता है। नो 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 स्वीटहार्ट, तुम्हारी सोच थोड़ी सी गलत है, जिसको मुझे चेंज करना पड़े। अब तुम मेरे नजरिए से देखो, हमने प्यार किया लेकिन रोमांस नहीं किया, हम दोनों हाथों में हाथ डाल के कभी घूमे नहीं, रोमांटिक डिनर्स में भी नहीं गए, रोमांटिक स्पॉट पे जाके एक दूसरे में खोए भी नहीं, खानों में मीठी मीठी बातें भी नहीं की, हम दोनों की सगाई हो चुकी और शादी होने वाली है, और चोरी छुपे मिलने में जो थ्रिल है ना, वो कहीं नहीं है शादी के बाद। तो शादी के बाद का क्या, रोमांस नहीं होगा? होगा, लेकिन उसका अपना एक क्लास होगा। अभी जो हमारा प्यार है ना, वो एक सैलाब है, और बाद में शादी के बाद वो एक समुद्र होगा, गहरा समुद्र। अभी जो लम्हे है ना, उसे अगर जी लो तो वो यादगार बन जाते हैं, और अगर उसे खो दो तो कभी लौटते नहीं है। देखा तुमने कितना टाइम वेस्ट कर दिया। मैंने मैंने क्या? हाँ तुमने, तुम कितना बोलती हो। अभी तक नहीं है, वहां क्या कर रहा है ये दोस्त, इतने मच्छर हैं यहाँ दोस्त।
तुम या तो अंदर चलो या फिर यहाँ से चलो, मैं बोर हो रहा हूँ। आलिक जी, ना तो आप यहाँ से अंदर जा सकते हैं और ना ही हम यहाँ से घर जा सकते हैं। पता नहीं कि रणवीर जी क्या कर रहे हैं। आरिची, आप तो मरवा ही थे, क्या जरूरत है आपको इतनी तेज साउंड चलाने की? पता है सब उठ जाएंगे। दोस्त, ना तुम वापिस जाती हो, ना तुम मंदिर जाने देती हो। अब मैं ये स्टीरियो चला रहा हूँ, तब भी तुम मुझे चलाने देती। अब तुम्हें बताओ ना, मैं क्या करूँ? आलिक जी, ऐसा करते हैं, हम एक गेम खेलते। गेम? हाँ। कौन सी गेम? एक अपनी हथेली आगे बढ़ाएगा ऐसे, और दूसरा उसे मारने की कोशिश करेगा, और लास्ट मोमेंट पे हाथ हटाना अलाउड है, लेकिन उससे पहले नहीं, ठीक है? और जो हथेली को हिट कर देगा उसको पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है? ओके ओके। दोस्त, पहले तुम अपना हाथ करो ना आगे। हाँ? क्यों? करो ना। अरे दोस्त, लगी तुम्हें? नहीं। ठीक हुआ? अब ठीक हो गया। सॉरी। हाँ मालती, जल्दी से सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है, मुझे नौकरी ढूंढने भी जाना है। तुम अपनी बात करो वीनू जी, मैं तो हमेशा जल्दी सोती हूँ और हमेशा जल्दी उठती हूँ। झूठ तो मैं बोलती नहीं, मेरा हर काम जल्दी होता है, तुम्हारी तरह नहीं, लेट लगती। कमाल है, तुमसे कौन बहस करे? तो मत करो। दोस्त, मैं कार में बहुत बोर हो गया हूँ, मैं ना बाहर जाके बैठता हूँ। हाँ, आलिक जी। मालती, ये साधना और आरले क्या क्या कर रहे हैं? क्या? हाँ, ये साधना आरले क्या क्या कर रहे हैं? अपना 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 मोबाइल दो जल्दी। अब मोबाइल क्या करोगी? ओहो, सवाल बाद में पूछो, मोबाइल दो जल्दी। नहीं, क्या क्या सोचती रहती? जल्दी लाओ। ले लो। रणवीर जी, रणवीर जी। विनीत भैया, हेलो। हेलो साधना भाभी, आप तुम दोनों घर के बाहर क्या कर रहे हो? आप वो भाभी, सच कहूं, मैं और आलिक जी ना रणवीर जी को जीजी से मिलवाने लाए थे, पर भाभी प्लीज आप ये बात किसी को मत बताना। अगर आपने ये बात किसी को भी बताई ना तो बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा, ना रणवीर जी के लिए, ना चीची के लिए, ना हम दोनों के लिए। ठीक है, नहीं बताऊंगी, चल बाय। बच गए। तो ये बात है? क्या बात है खुराफाती दिमाग, अब क्या सोचने लग गई? वो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा बुद्धू राम। अरे तुम समझाओगी तो समझ में आएगा। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? हाय,
जो तुम कहोगे वही कर देंगे। अच्छा तो क्या तुम मेरे लिए खंबे से चढ़ के छज्जे के रास्ते से कमरे में आ सकते हो? हमने शादी के पहले ऐसा कभी भी नहीं किया। मुझे भी महसूस करना है कि जब एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से ऐसे मिलने आता है तो कैसा लगता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैं नहीं कर रहा। दिमाग को मारो गोली, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। अरे फर्स्ट से प्यार में फर्स्ट से पागलपन तो होना ही चाहिए ना वीनू जी। अब रणवीर जी को ही देख लो, ऐसे रागिनी से मिलने के लिए छज्जे के रास्ते खम्भे से चढ़ के गए हैं। अरे तुम हो कि तुम्हें प्रेम का पाव भी नहीं मालूम। मालती क्या बकवास है, मैं नहीं कर रहा ये सब। ओहो पतिदेव, तभी तो क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में रोमांस। रोमांस क्या करो। अरे ऐसा रोमांस नहीं कर रहा मुझे। जाओ बाहर जाओ, बाहर जाओ और छज्जे के रास्ते से खम्भा चढ़ के ऊपर आओ, तब मैं मानूंगी तुम्हारा प्यार कितना सच्चा। मालती मैं नहीं जाऊंगा। क्या नहीं जाऊंगा, चलो। अरे नहीं चलो मालती। अरे मैं नहीं जाऊंगा। क्या मालती मालती की माला जप रहे हो? जाओ। अरे क्या, जाओ जल्दी। हे भगवान कहां फंस गया मैं। भगवान के बारे में बाद में सोचना, पहले मेरे बारे में सोचो, जाओ। अरे लेकिन मैं रणवीर, रणवीर, अरे ये इस वक्त कहाँ चला गया? वसु, तुमने रणवीर को देखा है? हम उसके कमरे में गए थे, वो गायब है। एक्चुअली उसे ये लिस्ट दिखानी थी, वो जिन दोस्तों को इनवाइट करना चाहता है उन्हें ऐड कर देता है इस लिस्ट में, पर पता नहीं कहाँ है। हम अभी अभी आलेख और साधना के कमरे से आ रहे हैं, वो दोनों भी वहाँ नहीं। इसका मतलब वो वही है जहाँ वो पहले गया था रागिनी से मिलने। ओ तो ये बात है। भूल गया क्या? एक मिनट, तुम्हारी जिंदगी फूलों से भर देना चाहता हूं और सारे कांटे अपने पास रख लेना चाहता हूं। लोगी क्या? मालती मीना पता नहीं कौन सा खुराफाती दिमाग लेकर पैदा हुई, कभी सीधा नहीं सोचेगी, जब देखो उल्टा ही सोचेगी। अरे अजीब जिद है, दीवार फांद कर ऊपर आओ। अरे ये कोई तरीका हुआ प्यार जताने का? जो लोग ये तरीका नहीं बनाते वो क्या प्यार नहीं करते? अरे सबसे बड़ा बेवकूफ तो मैं ही हूँ, वो मुझे मदारी की तरह डमरू बजा बजा के डुगडुगी बजा के नचा रही है और मैं बंदरों की तरह नाच चले जा रहा हूँ। हे भगवान, ये विनीत भैया यहाँ क्या कर रहे? और ये रणवीर जी, अरे भाई सगाई हो गई,
सीधा रास्ते दरवाजे से आओ, हैं? मिल लो रागिनी से, कोई मना करेगा? लेकिन नहीं, दीवार भांग कर जाएंगे, मुझे और फंसवा दिया। क्या? वहां खड़े-खड़े क्या सोच रहे हो गोबर गणेश? शक्तिमान की तरह जोहर दिखाओ और ऊपर आ जाओ। तुम्हारी प्राणेश्वरी तुम्हारी राह में बाहें बिछाए बैठी है मेरे प्राणनाथ। अरे प्राणनाथ का तेल लेने। अरे मालती मैं गिर जाऊंगा यार। क्या गिर जाऊंगा? हिंदी पिक्चरों का कोई असर नहीं तुम पे, इसलिए कहती हूँ पिक्चर देखा करो। देखा नहीं गुलाम पिक्चर में आमिर खान 20 मंजिल चढ़ के आया था रानी मुखर्जी से मिलने के लिए। तुम अपनी मालती के लिए इतना भी नहीं कर सकते? चलो ऊपर आ। अरे समझती नहीं यार, मैं गिर जाऊंगा। क्या गिर जाऊं? झूठ तो मैं बोलती नहीं, यहाँ से चढ़ के ऊपर नहीं आना तो मैं नीचे तुम्हें धक्का दे दूंगी, तभी भी तुम्हारे नसीब में गिरना ही लिखा होगा और मेरे सामने तुम्हारा पोपट हो जाएगा। बोला चलो ऊपर आ जाओ। अच्छा आता हूँ मेरी माँ। आजा। ए भगवान बचा ले गिरने से, कहाँ फंसा दिया। अरे क्या सोच रहे हो? अरे आ रहा हूँ यार। चलो चलो डरो मत, मैं हूँ ना। अबे तुम शाहरुख खान हो? मैं हूँ ना, आ रहा हूँ। मैं हूँ ना, फंसा दिया मुझे। तो तुम्हारे घर में क्या सब ऐसे उठते से चढ़ते रहते हैं? हाँ अभी अभी रणवीर गया था, अब तुम्हारे भैया भी जा रहे हैं। मैं भी जाऊँ दीवार पे चढ़ के? मालिक जी आप यही खड़े रहिए शांति से, आप कहीं नहीं जा सकते। ओके ओके। कितना टाइम हो गया, आप भी जाइए ना। कोई नहीं आएगा स्वीटहार्ट, कोई नहीं। कौशल्या जी आज का दिन बड़ा ही सुंदर, बहुत ही सफल दिन रहा है हमारे जीवन का, है ना? सारी उलझनें जैसे एक साथ खत्म हो गई, एक मुद्दत के बाद चैन की सांस ली है। अब सो जाइए कौशल्या जी, बहुत से काम निपटा रहे हैं कल। हाँ आ जाओ। अरे आ रहा हूँ। क्या आ जाओ ना सारे। अब हाथ दे दो। छोड़ना नहीं मालती, छोड़ना नहीं। मर गया रे माँ। भैया क्या हुआ जी? कौशल जी ये सुनो, आपने कैसी आवाज थी? कोई चोर तो नहीं है जी? हाँ चलिए देखते। अरे कौन सी मनोज घड़ी में ऊपर चढ़ रहा हूँ मैं? अरे मर अरे साथ में तुम क्यों आ गई? तुम जाओ बहुत ही देख लेंगे। अरे जाओ मैं ठीक हूँ, जाओ रोमांस बड़ा महंगा पड़ गया। रणवीर कुछ तो हुआ है, आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको यहाँ पे किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज चाहिए ना। प्लीज रागनी ये थोड़ी देर और रहने दो, अभी तो दिल भरा भी नहीं। रणवीर मुलाकात का टाइम देखिए प्लीज। तुम्हें देखने से फुर्सत मिले तो ना तो टाइम देखो। नहीं रणवीर प्लीज आप जाइए। रणवीर राखी मेरी राखी कोई आ जाए। रागनी दरवाजा खोल बेटा।
रागनी दरवाजा खोल बेटा। रागनी दरवाजा खोलो बेटा। रागनी रागनी तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? दरवाजा खोलो बेटा। रागनी क्या बात है बेटा? रागनी बेटा तू ठीक तो है ना? तू बेटा दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई तूने? तू इतनी घबराई हुई सी क्या? बोल रागनी, बोलती क्यों नहीं बेटा? हम तुझसे कुछ पूछ रहे हैं। बताना बेटा सब ठीक है ना? माँ वो मैं बताना बेटा इतनी सहनी सहनी सी क्यों है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।